हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टॉक डॉक्टर। होप एवरीथिंग इज फाइन। ये चैनल है ड्रोन लवर्स के लिए एंड टेक लवर्स के लिए, क्योंकि ड्रोन से मतलब है ड्रोन एंड टेक से मतलब है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में मैं जो भी यूज़ करता हूँ वो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ, और अपना बेस्ट रिव्यू, जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस और अगर कुछ गलत एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैविक मिनी के बारे में कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी पूछी जा रही हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दिया है व्हाट इज़ नैनो ड्रोन, वो मैं जैसे पहले सबको बता चुका हूँ व्हाट इज़ नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन वो होता है जिसमें आपको, जिसका वेट 250 ग्राम से कम होता है। तो ये जो रूल है वर्ल्ड ओवर, अमेरिका और काफ़ी ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी जगह पर एप्लीकेबल है, और इंडिया में भी ड्रोन रेगुलेशन में ये डाला गया है। तो अब DJI ने स्मार्टली काम करके मैविक मिनी लॉन्च किया है कि 249 ग्राम्स का उसको कर दिया, सिर्फ 1 ग्राम उसमें कम किया है। सो, उसका फ़ायदा ये हो गया कि आपको उस ड्रोन को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। अब अगर रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ड्रोन बेधड़क जैसे मर्जी जहां मर्जी उड़ा सकते हैं। उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नैनो ड्रोन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, तो वो ही मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो अगर आप मैविक मिनी लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रोन है, स्पार्क से भी बढ़िया, मैं तो इवन कहूँगा मैविक एयर, जिनको 4K की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 2.7K में बहुत अच्छा फुटेज वो दे रहा है। तो 4K मतलब इतना, मतलब उस प्राइस पॉइंट में जाने से अच्छा आप इसको लें। और स्टार्ट करते हैं, आप क्या क्या इससे कर सकते हैं और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस ड्रोन को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा इंडिया में भी, क्योंकि वो नैनो कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए आपको UAN नंबर, जो हर एक को चाहिए था, वो आपको नहीं लेना पड़ेगा। पॉइंट टू क्या है इसमें, आपको रजिस्टर तो नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ रूल्स, एक कह सकते हैं एक एटिकेट्स होते हैं ड्रोन फ्लाइंग के, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। उसमें से पहला ये है कि आपको, अगर आप नोन नहीं है इसको, आपको नहीं उड़ाना आता ड्रोन, तो प्लीज़ इसको पब्लिकली कहीं भी मत उड़ाइए, क्योंकि ये ड्रोन है बेशक नैनो कैटेगरी का, लेकिन इसमें फीचर्स माइक्रो कैटेगरी के हैं। इसमें बहुत अच्छा कैमरा लगा हुआ है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और हो सकता है कि किसी की प्राइवेसी भी आप भंग कर दें। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई अपना आपके नेबर में, आपके घर में बैठा है, अपना सन बात ले रहा है, आप अपना ड्रोन मैविक में नहीं उड़ा दिया आपने, आप कहें कि हमारा तो नैनो ड्रोन है लेकिन उसमें कैमरा लगा हुआ उससे। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि इसको पब्लिक प्लेसेस पे किसी की प्राइवेसी को हैम्पर मत करें, पब्लिक प्लेसेस में मत उड़ाएं, और आइसोलेटेड प्लेसेस पे उड़ाएं, वहीं पर आपको ये सही रहेगा। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि क्या ये हमें लेना चाहिए एज ए बिगिनर ड्रोन, स्पार्क से अच्छा है या नहीं। तो उसका आंसर यस, आपको ये लेना चाहिए। और सेकंड, इसके बाद अलावा कब तक ये आएगा, तो एक्चुअली ये काफ़ी डिमांड में है ड्रोन बाहर भी, और इसी करके बाहर इतनी शॉर्टेज है, वेटिंग में लगना पड़ रहा है। तो इंडिया में भी बाहर जब मतलब सबको मिल जाएगा तब इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडिया में इतनी जल्दी अभी वो रूल्स नहीं आए हैं कि DJI सीधा अपने ड्रोन्स भेज सके। तो आएगा, ज़रूर आएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर आपको हो सकता है अनबॉक्सिंग भी देने को मिल जाए इस चैनल के ऊपर, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट ड्रोन, एंड सून आपको देखने को मिलेगा। एंड बाकी इसको आप ध्यान से उड़ाएँ और उनकी प्राइवेसी को भंग मत करें। अगर इसमें रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं, इसको रजिस्टर नहीं करवाना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप कहीं भी उड़ा सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है हर एक ड्रोन फ्लायर से, हर एक ड्रोन लवर से, कि वो औरों की प्राइवेसी को मान के चलें, अपने दिमाग में रख के चलें, आइसोलेटेड प्लेसेस में उड़ाएं। ये बात ज़रूर है कि इसमें फ्लेक्सिबल, इसके जो प्रोपेलर्स हैं फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा लाइट वेट है, तो इंजरी कम होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कम होगी इंजरी है, इंजरी ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्लीज़ इसको बाकी ड्रोन्स की तरह ही हैंडल करें। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। कोई क्वेश्चन है आपका मैविक मिनी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड काफ़ी होगा आ रहा है कि आप M30S पे बहुत वीडियो बना रहे हैं। भाई मैं यूट्यूबर हूँ और टेक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ मेरे पास है और उसमें काफ़ी डिमांड है, तो वो वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे, और वो मैं बना रहा हूँ और आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।